क्या साहब बोले भाई आप साहब आप उनका तो हम सर हम बोलेंगे फिर मैं लिए आज बोलेंगे फिर बोलो नहीं नहीं आप क्या क्या है सवाल क्या है कल गठबंधन मीटिंग में नहीं बोला। देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी को इस देश के अंदर हराना है और तो हम समझते हैं कि कल जितने भी लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे जितने भी नेता वहां पर इकट्ठा हुए थे उनसे ज्यादा अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को इस देश के अंदर हराना चाहता है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और अगर आप MIM को छोड़ के अगर कोई ऐसा एक गठबंधन बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर आपका लक्ष्य ये है कि BJP को हराना है करके तो कभी कामयाब नहीं होगा। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आप हमें क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर आप ये मानते हैं आपको मालूम है अच्छी तरीके से एक बहुत बड़ा तबका जो है वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मानने वाला है कई राज्यों के अंदर मानने वाला है तो आप इन्हें नजरअंदाज करके कहीं ना कहीं आप अपने उस मकसद को कमजोर कर रहे हैं। आप बुलाइए हमें हम आने के लिए तैयार है। अच्छा आपने वो भी साहब आप बताइए कि जैसे अभी इम्तियाज सर ने बोला है कि हमें बुलाइए तो बुलाने के बाद आप मेरे बाजू खड़े रहे कि इम्तियाज साहब बोले बात करिए सर आप क्या है सर आपका आपकी राय बताइए सर राय क्या है भाई मेरे पार्टी के नहीं आपको क्यों बुलाया नहीं है आपके ऊपर विश्वास नहीं है ऐसा इनका कहना है क्या आपको नहीं मालूम आप उनसे पूछो आपको अपेक्षाएं थी उन्होंने बुलाने की मेरे को नहीं मालूम क्यों नहीं बुलाए या बुलाएंगे मेरे को नहीं मालूम और जब इम्तियाज साहब जो बात रखी है वो बात सीरियस है ना नहीं आपका और महागठबंधन का एक ही मंशा है मोदी गवर्नमेंट को हराना तो आप क्यों नहीं जाके रुझू हो सकते क्यों नहीं जाके आप जाके क्यों रुझू नहीं हो सकते ये लोग दोनों का मंशा तो एक ही है ना मकसद खुद होके क्यों नहीं जा सकते अब ये बताइए प्यासा कुएं का नहीं आता या कुआं पानी प्यासे के बता दो ये सभी तो पैसे ही है ना सत्ता के प्यासा कौन कुआं कौन सबसे ज्यादा जब से भाजपा की सरकार बनी है सबसे ज्यादा अगर किसी को मार्जिनलाइज किया गया एलिनेट किया गया सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किसी से हुआ तो वो दलित आदिवासी और दूसरे समाज को किया गया तो आप इसको भी तो देखो आप आज सबसे ज्यादा अगर मॉब लिंचिंग होती है सबसे ज्यादा अगर किसी के घर तोड़े जाते हैं झूठे जमात में किसी को उठा दिया जाता है तो कौन है कौन से समाज के लोग हैं अगर एक आपको BJP को हराने का है तो आपको एक एजेंडा बनाना पड़ेगा क्या है वो कैसे आगे बढ़ेंगे आप सवाल मेरा नहीं है ना सवाल असदुद्दीन अवैसी का नहीं है सवाल यह है कि आप इन चीजों पर गौर करो आप सर सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं आपकी क्या राय है BJP को हराने के लिए आपका क्या है इसलिए जो 21 साल से नहीं हरा है वो यहां हरा दिए ना औरंगाबाद जनता ने इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा आपको कुछ दिन पहले प्रकाश अम्बेडकर जी औरंगजेब के एक बात सुनिए मैं बाड़ा साहब की बहुत इज्जत करता था और करता रहूंगा गए हैं अब उसका और सब्सटेंशिएशन बाड़ा साहब खुद कर सकते हैं वो खुद कर सकते हो काबिल है अपनी बात रखने के पिछले कुछ दिन से महाराष्ट्र में इसी मुद्दे पर लेकर राजनीति चल रही है कोल्हापुर या संगमनेर इस जगह जो घटना घटी है अभी ये मुद्दा सामने इलेक्शन के सामने ज्यादा आने वाला है आ रहा है हमारा बोलना ये है कि आप जो है जैसा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का शेड्यूल है उस शेड्यूल में 44 ऑर्गेनाइजेशन बैन है तो हम इन तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि भैया आप सत्ता में हैं आप लोग फोटोज को भी एक लिस्ट बना दो ये फोटो जो रखेगा उसको जेल में भिजा देंगे UAPA में फोटो की लिस्ट बना दो आप अच्छा रहता ना ये फोटो नहीं रखना चाहिए वोट से के रख सकते आप ठेके रख सकते मगर इनकी नहीं रख सकते या इनके रख सकते आप एक फोटो की लिस्ट बना दो अच्छा है ना लिस्ट बना दो उसको बोलो जो एक फोटो रखेगा उसको हम UAPA में डाल देंगे क्या बोल सकते कुछ प्लान है ऐसा लग रहा है क्या ये सब चल रहा है तो इलेक्शन के सामने हमारा मानना यह है कि सब तमाम चीजें जो हो रही है हम महाराष्ट्र की पुलिस डिपार्टमेंट से
महाराष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी से अपील कर रहे हैं कि आप महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को बिगड़ने से बचाइए। पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आएंगे चले जाएंगे, मगर लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहना चाहिए। जो डेलिबरेट तरीके से इस तरह से हरकतें की जा रही हैं, ठीक नहीं है महाराष्ट्र के लिए। सर, तुम्हारे मित्र केसीआर बीआरएस में आने के लिए महाराष्ट्र में बीजेपी और कुछ बड़े नेताओं को ऑफर कर रहे हैं। अभी नाम आया है कि पंकजा मुंडे, जो बीजेपी सीनियर लीडर है, उनको भी आइए, हम आपका आपको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे, ऐसे ऑफर है। पंकजा मुंडे को तो 2 साल पहले इम्तियाज साहब बोले थे, 2 साल पहले बोले थे उनको, वो समझ रहे नहीं उन्होंने। 2 साल पहले इम्तियाज साहब जो है, अब बाज लोग जो है हवा को सूंघ के बोलते बारिश हो रही, इम्तियाज साहब पहले ही बोलते देखो ऐसा होने वाला है, 2 साल पहले ही इम्तियाज साहब बोले थे उनको, आपको कैरी कर रहे थे ना उसको, वो उनको सोचना चाहिए। अब कोई भी अपनी पार्टी को आगे बढ़ा सकता है, ये तो उनका डेमोक्रेटिक राइट है। आप भी बुलाएंगे सीएम के उम्मीदवार बोलते उनका नाम जिनको पंकजा दाई? अरे भाई, 2 साल पहले इम्तियाज साहब उनको बोल चुके हैं ना, 2 साल से इम्तियाज साहब उनको बोल रहे कि समझो बात को, मिले भी ना उनसे एक मरतबा, मिलके भी बात की। अच्छा, मिलने के बाद कुछ क्या बोले? वो डिटेल ये बोले जो हज के लिए गए हैं उन्हें काफी सारी परेशानी हो रही है, लेकिन मरकजी हुकूमत इसे नजरअंदाज कर रही है। हज कमेटी के इंतजाम बहुत बदतरीन हुए हैं, हज कमेटी के इंतजाम सबसे खराब हुए हैं, और ऐसा कभी माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हाजी जाकर परेशान है और हाजी की लिफ्ट जिस होटल में या जिस बिल्डिंग में खड़ा गया लिफ्ट गिर जाती है और दूर दूर खड़ा कर दिया गया। ये बात सबको मालूम कि जितने हाजी भारत से जाते हैं उससे ज्यादा ज़ईफ़ बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको आप दूर दूर खड़ा कर दिए। और ये जो अगर कोई औरंगाबाद से जाएगा या कोई दूसरे शहर से जाएगा तो उससे आप 70,000-80,000 बढ़ के ले रहे, किस बात के ले रहे हैं आप, क्यों ले रहे हैं आप? आप तो बड़ा बात करें कि वो हम पैसे कम कहाँ पैसे कम कर दिए, आप तो ये तो पैसे इजाफा कर दिए उसमें। और जो प्राइवेट हज ऑपरेटर्स हैं उनको कोर्ट को जाना पड़ा, कोर्ट को जाकर जा रहे हैं वो लोग। तो इस साल बहुत ही गलत इंतजाम हुआ। हम तो इस मोदी सरकार से अपील करते हैं कि इसका जायजा लें, ये क्यों हुआ, ये हज का इंतजाम इतना खराब क्यों हुआ, बल्कि तो प्रूव होनी चाहिए इसके ऊपर। बीआरएस और आपका भी पक्ष दोनों का भी मतलब बाहर से ही है, मतलब दोनों भी महाराष्ट्र के बाहर का पक्ष है दोनों भी, एमआईएम और एमआईएम का यहाँ अच्छी तरह से एक खासदार और कुछ नगर सेवक भी है, दोनों का इकट्ठा आकर विधायक भी हाँ, तो दो विधायक में तो इकट्ठा आकर कुछ सोच है आपकी कि महाराष्ट्र में राजनीति का दोनों इकट्ठा एक साथ आकर कुछ आगे बढ़े? अभी तक तो ऐसा कोई बात नहीं। सर, अमेरिका दौरे पर आप क्या बोलो देना, प्रधानमंत्री के अमेरिका बोलो देना क्या कहना? प्रधानमंत्री अमेरिका गए, हम भी चाहते हैं कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में और अच्छा और मजबूत हो, अच्छे हो, और भारत अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए H1 जो हमारा वीजा है स्टूडेंट का, वो ज्यादा रुका हुआ है, वो जल्दी हल हो। और वहां पर जो प्रधानमंत्री है तो अमेरिका के एक एक्स प्रेसिडेंट ने एक टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा, ओबामा ने, कि भारत में अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों का जिस तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है वो भारत के हित में नहीं है, इससे भारत को नुकसान होगा। तो ये वो बराक ओबामा है जिसको हमारे देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री ने वो फेमस सूट पहना था जिस पर उनका नाम लिखा हुआ था, अपने हाथों से चाय पिलाई, और वो खुद आज ये बात कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि भारत के प्रधानमंत्री ने 9 साल में उनके प्रधानमंत्री के डिनर में पहली मरतबा जैसे आज हम खड़े होकर आपके सवाल का जवाब दे रहे वैसा उन्होंने सवाल लिया, वरना उन अक्सर क्या करते, अपने पसंद के एंकर्स को बुला के इंटरव्यू दे देते, तो कोई उनसे पूछता आपको आम खाए पसंद है क्या, कोई बोलता उनसे आपने बटवा है क्या, तो उस सवाल जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता अल्पसंख्यक समाज मुसलमान से। तो हम भारत के प्रधानमंत्री अभी तो फॉरन टूर पर है, वो मन नहीं उस पर तबसरा करना चाहिए, मगर मैं कर रहा हूं,
क्योंकि मणिपुर में 334 को जला दिया गया, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मणिपुर में पुलिस एकेडमी से 50,000 से ज्यादा एमुनेशन गोलियां चोरी हो गई, 4,000 ज्यादा हथियार लूट के लेकर चले गए, वो डिस्क्रिमिनेशन है। क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि CAA का कानून मोदी सरकार ने बनाया सो रिलीजन की बुनियाद तो डिस्क्रिमिनेशन की निशानी है। तीसरा डिस्क्रिमिनेशन की निशानी यह है कि आपने मौलाना आजाद फेलोशिप को बंद कर दिया। हमारे अल्पसंख्यक समाज के बच्चे अपना फेलोशिप कर पाएंगे ना PhD कर पाएंगे। आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया और गांव रक्षक जिसको चाहे पकड़ते हैं, जिसको चाहे मार देते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या? डिस्क्रिमिनेशन है यहां पर। ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, ये बहुत अच्छा है, डायलॉग अच्छा है, मगर जमीन पर तो कुछ दिखता ही नहीं है ना। और फिर डिस्क्रिमिनेशन की मिसाल सबसे बड़ी है कि BJP के पास 300 MP है, एक मुसलमान MP नहीं है, एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन की मिसालें आपके सामने रख रहा हूं और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री आप लोगों से तो खुल के बात करें ना। ऐसा एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री कर लें दिल्ली में, एक 50-60 जर्नलिस्ट को बुलाकर तुमको जो पूछना है पूछो प्यारे, दिल खोल के पूछो, मैं आज जवाब दूंगा। विदेश में जाकर देते, यहां देने, भारत में देने से उनको इतना क्यों पिछड़ जाते हैं? जिस तरह एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है उस पर क्या कहना है? हो रही जांच, क्या बोल सकते हैं, सब देख रहे हैं। सर 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 सर